पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व जागृति मिशन के तत्वावधान में आशियाना फेज दो रामगंगा बिहार के किनारे दिव्यालोक आश्रम में परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के शिष्य सतीश द्विवेदी ने दिल्ली से आकर धर्म जागृति अभियान सत्संग के चलते भक्तों के बीच बैठकर सत्संग किया, जिसमें भक्तों को आपस में मिलकर प्रेम भाव का पाठ पढ़ाया, साथ ही अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा दी ताकि जनहित का, देश का विकास हो, पारिवारिक प्रेम भाव बढ़े, टेंशन मुक्त जीवन यापन करें, सकारात्मक सोच रखें, बुराई आलोचना बदतमीजी ना करें, बड़े छोटे का ख्याल रखें, जितना भी संभव हो सके भला करने की सोचें। सत्संग प्रारंभ करने से पहले भजन प्रस्तुति की गई और सभी भक्तगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रधान राकेश अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में 8 विभूतियों को सम्मानित किया गया। महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर जेपी चंदेल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर गिरिजेश शर्मा, डॉक्टर लता चंद्रा, डॉक्टर विनीत किशोर जैन, डॉक्टर एके अग्रवाल के साथ और भी लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राकेश अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, राजीव गुलाटी, गंगाराम, शोभा अग्रवाल, गीता अग्रवाल, आशा चंद्रा, सुनीता मंगला, विवेक शर्मा, अतुल जौहरी, गंगवार सिंह आदि का विशेष सहयोग रहा। हमें प्यार भी आ रहा है और हमें डर भी लग रहा है। एक शब्द भी कहीं गलत सलत भूल गया हो संस्कृत की कोई मात्रा की, और यदि कहीं ठीक निकल गया तो आशीर्वाद देने वाले हमारे सामने आ गए हैं। डर भी लग, लेकिन गुरुओं के सामने अगर डर होता है तो भगवान का कहना है, ये भगवान का खुद का वाक्य है। हम एक जन्म में मिलने वाले नहीं हैं। एक जन्म का प्रयास वो क्लास नहीं हो सकती जिससे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। वो क्लास नहीं है, वो डिप्लोमा नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे अंदर आचरण की जरूरत है, तुम्हारी आंखों में शुद्धि की जरूरत है, तुम्हारे कान कड़वा सुनने से डरने लग जाए इसकी जरूरत है, तुम्हारी नासिका भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी और पुष्पों की गंध लेने की शौक वाली हो जाए इसकी जरूरत है, तुम्हारे पैर अच्छी गति करने लग जाए, गुरु की शरण में जाए, भले लोगों की मदद के लिए जाए, दया करने के लिए दौड़े, किसी का प्राण बचाने के लिए दौड़ने लग जाए, तुम्हारे हाथ वो कर्म करने लग जाएं जो हर काल जिसका सेवा कहलाए, दूसरों के लिए जीना सीख जाएं। ये जब तक हमारे जीवन में नहीं है तब तक हम उस परमात्मा को जानने के लायक नहीं होते। और इसी को योग्यता में, इसी योग्यता को लाने के लिए परमपिता परमात्मा ने जो हमें साधारण से मिला सा नजर आ रहा है, साधारण से उपलब्धि हमको हो गई, सुधांशु जी महाराज के हम दीक्षित हो गए हैं। हम ये नहीं कहते कि ऋषि और नहीं है, बहुत सारे ऋषि हैं और उन ऋषियों से ये सारा समाज हमारा सजा हुआ है, ज्ञानवान हो रहा है। हमारे इस समाज में वो ऋषि भी हैं जिन्होंने एक लंगोटी तक नहीं रखी, फिर नंगे हो गए थे, पागल को नहीं है वो, उनके दर्शन के लिए वो जहां से खड़े, जिनका नाम जड़भरत पड़ा है वो जड़भरत होने से पहले तीसरे जन्म पीछे वो ऋषभदेव के बेटे हैं। ध्यान देना, जब हम जड़भरत कहते हैं, जड़भरत से जड़भरत जी का पीछे का तीसरा जो जन्म था वो ऋषभदेव के बेटे का रूप है, वो भरत का रूप है उनका। और ऋषभदेव, देखिए ऋषभदेव राजा, बेटों को राजा बनाते हैं, लेकिन जब वैराग्य में आ जाते हैं ऋषभदेव तो राज भी छोड़ा, पुत्र भी छोड़े, पुत्रियां भी छोड़ दी, संपत्ति छोड़ दी, लगाव छोड़ दिया,
एक कपड़ा छोड़ा, दूसरा कपड़ा छोड़ा, सारे कपड़े छोड़ दिए, खाना पीना छोड़ दिया, वायु के भक्त लेने लग गए और घोर शब्द नक धड़क होता हुआ इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। वो ऋषि जहां से निकलता है, भागवत जी का पंचम स्कंद इसका प्रमाण देता है, ऋषभ देव जी जहां से निकल जाते थे, दस योजनम सुरभिम चका, ये प्रमाण मिलता है, उनमें उनका मन चला जाता है, वो घटाव आ जाता है। मित्रों, कहीं हम समय की सीमा को पार न कर रहे हो, हमारे पास गरीब नहीं है, क्षमा कर देना। तो भगवान व्यास का जो सर भैया, अगर आप दुनिया में सभी के प्यारे होना चाहते हैं तो आत्मा प्रतिगुणानी परेशान न समाचरे, जो हमें हमारे लिए खराब लगे वो हम दूसरे के लिए न करें। एक तो एक सावधानी हमारी ये हो जाए हमारे जीवन में। और अधिकतर यहाँ पिता ही बैठे हैं, अधिकतर यहाँ माता ही बैठी हुई है, वो टीम के लिए यहाँ बहुत कम है। इस समय कहीं शिक्षा में आगे होंगे, इतवार का दिन है तो कहीं खेलने में लगे पड़े होंगे, ये भी हो सकता है, बच्चों को समय तो चाहिए। लेकिन ये कहा है जो अच्छा आज श्रद्धा पर्व भी है ना, प्रधान जी श्रद्धा पर्व भी है, भगवान नारायण से नारद ने एक बार बचपने जैसा बच्चों जैसा एक प्रश्न कर दिया। नारद ने कहा भगवान लोग कहते हैं आप अणोरणियान हो, महतो महियान हो, आप छोटे से छोटे हो, आप बड़े से बड़े हो, आप श्वास के रास्ते से भी शरीर में विराजमान हैं, आप सब जगह से, आंखों में आपका तेज है, कानों में आपकी ध्वनि है, हाथों में आपकी शक्ति है, पैरों में आपकी गति है, आप सब जगह व्यापक हैं, सब जगह रहते हैं, पर आप दिखाई क्यों नहीं देते? ये बचपन ही ऐसा प्रश्न बनेगा, आप दिखाई नहीं देते, आप दिखाई दें। नारद के इस प्रश्न पर भगवान बड़ी देर तक नारद का चेहरा देखते रह गए। आज इसे कहां से ये पागलपन आ गया? खान पान का ध्यान रखते हुए समय पर नींद लेने का नियम अपनाऊंगा। ये हमारे डॉक्टर साहब अभी आप और हर समय दोहराएंगे, आप आनंदित प्रसन्न खुश रहने का स्वभाव बनाऊंगा। दिन में कम से कम 10 बार खुलकर हंसूंगा, अपने रिश्तों को प्रेम पूर्ण बनाऊंगा। अगला सूत्र है संकल्प में, हर दिन स्वाध्याय एवं सत्संग से जुड़ने का नियम बनाऊंगा, परमात्मा से मीटिंग का समय निकालूंगा। एकांत का सूत्र है, अपनी कमाई का 2% हिस्सा सेवा कार्यों के लिए दूंगा। अगला है जो लास्ट है, सद्गुरु के चरणों के प्रति सदैव वफादार रहूंगा। ये 5 वाक्य हैं, आपके हित के लिए हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप प्राण से भी बलवान हो, आप शरीर से भी बलवान हो, और खान पान
ठीक रहे, आपके मित्र ठीक हो, आपकी नींद ठीक हो। आप जो गुरुदेव ने कहा है कि खुलकर 10 बार हंसेंगे। आज दिल्ली से आए आचार्य श्री सतीश द्विवेदी जी का प्रवचन था, और जो हम श्रद्धा पर्व का कार्यक्रम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, वो भी आज ही हमने पहले अक्टूबर को मनाया, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान करा, और उसी के कार्यक्रम में जो है आज नियमित कार्यक्रम था इस त्रिलोक आश्रम पर। कैसा रहा आज? आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, सारे गणमान्य व्यक्ति जिन्हें हमने बुलाया था सब आए, और बहुत ही सफलपूर्वक उनका सबका हमने आदर सत्कार करा। बहुत बहुत उनको भी बधाई, और अपने आश्रम वालों को जो हमारे आते हैं श्रद्धालु, उनके लिए बधाई। किस उपलक्ष्य में श्रद्धा पर्व मनाया जाता है? ये हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। महाराज जी का कहना ये है कि हम मृतकों का श्राद्ध तो करते ही हैं, हमें जिंदों का भी, जिनका समाज में कुछ भी योगदान है, उनको लिए हमें करना चाहिए, इसलिए हम ये श्रद्धा पर्व मनाते हैं। आज यहाँ पर हमने समाज में अति विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया, जैसे कि हमारे गुरुदेव ने निश्चित किया है कि हम अक्टूबर माह में वरिष्ठ लोगों का, वृद्ध लोगों का, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। उसी कड़ी में हमने आज यहाँ पर सम्मान किया समाज के प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लोगों का। इससे पूर्व हमारे दिल्ली से आए आचार्यगण के द्वारा यहाँ पर उपदेश दिए गए, भक्ति सत्संग के बारे में बताया गया, और मधुर संगीत का भी हमने, पूरी जनता ने आनंद लिया। इसी में यह भी सूचना देना चाहती हूँ समस्त नगरवासियों को कि 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को पूज्य गुरुवर हम सबके बीच शहर में आ रहे हैं। 9 अक्टूबर को ड्राइव इन 24 में गुरुवर का आगमन प्रातः 9 बजे होगा। समस्त जनता से मेरा अनुरोध है गुरुवर की वाणी को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में अवश्य बता रहे हैं। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।